शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सबका स्वागत है, मैं हूं हिना कुमावत। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सबसे बड़ी खबर पर। मुंबई पुलिस आज अजीबोगरीब हालत में फंसी है। इसका कारण है एक अनोखी बैंक रॉबरी, जिसमें इंटरनेट के जरिए किसी हैकर ने दो कंपनियां पीएन फार्मा और केबी मेटल्स के बैंक अकाउंट से 550 करोड़ की रकम साफ कर ली है। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दोनों कंपनियां दरअसल मुंबई के नामी अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना की है, जिसके जरिए वे अपने काले धन को जायज बनाते हैं। आने वाले दिनों में देखना यह है किस इंटरनेट बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड तक पुलिस पहले पहुंच पाती है, या फिर वो डॉन जिसकी सारी पूंजी रातों रात लूट ली गई है। फैमिली पे सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन कौन होएगा उसका फैमिली में? उसका माँ बाप। उसका बाप को काट डालो, माँ को जला डालो, और उसका भाई को 550 टुकड़े टुकड़े कर डालो, और उसका बहन ये एड़ा यादों को लगा दो उसका बहन पे, देख मैं कैसा मारता है। ऐसा मारेगा कि वो साला कुत्ता मेरा पैसा को टच तो क्या सूंघ भी नहीं सकेगा। ओ साला कुत्ता हमको इधर मांगता है। ए गिरीशा, हाँ। तेरा जिम्मेवारी है, हाँ। वो कुत्ता हमको इधर मांगता क्या? ठीक है अन्ना। जी सर, ये सर 6 कंप्यूटर एक्सपर्ट स्ट्रेस करने में लगे हुए हैं, रात भर यही थे, कह नहीं सकते सर, लेकिन ओके 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 सर, सबसे पहले मैं आप ही को रिपोर्ट दूंगा। ओके सर। सर जवान क्या हो रहा है उस इंटरनेट केस के बारे में?
सर थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि वो सिस्टम्स। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। जवान हर मिनट प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पता लगाओ ये कौन है, कहां से आया है और कहां छिपा बैठा। कितना? क्यों नहीं रखते हो तुम? जाने दो, लाइसेंस को आने दो यार, वो लड़की निकल जाएगी। लड़की? अरे घर वाली बाहर वाली ये तो सुना है, ये आगे वाली पीछे वाली फर्स्ट टाइम सुना। अरे बाइक है, बाइक है, किसी की जरूरत काय को है। तुम आजकल के लड़के बहुत डैम्बिस, बहुत चैप्टर। यही है वो सोनिया, आई एम टेलिंग यू शी इज द वन। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। पता नहीं वो हवलदार बीच में कहां से आ गया यार। यू नो आज तक जिस लड़की को मैंने सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा था, शी वाज एक्चुअली देयर। वो एक्चुअली मेरे सामने थी। आई मीन You know, Sonia, I'm like sure कि अगर वो मुझे देखती ना तो वो भी मुझे पहचान लेती और उसको भी वही एहसास होता जो मुझे हुआ। क्या हुआ? I'm telling you यार, Sonia, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा यार। I found her, she's the one। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। You know, stupid। हाँ, तुमने अपने उस कारियर के बारे में तो बताया नहीं। हाँ, क्या वो उस मर्सिडीज और BMW का? ओ हाँ, वो तो कल शाम को ही फाइनल हो गई यार। पूरे 25 लाख मिले, वो भी कैश। अरे लेकिन वो सब छोड़ो ना सोनिया, तुम सुन नहीं रही हो। I mean, I've actually found her। वो इसी शहर में मेरे सामने थी। सुनिए उसका नाम क्या होगा, वैसे एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये आजकल के हवलदार है ना, ये बहुत ही। अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन मेरा इंतजार एक्चुअली खत्म हो गया, बस एक बार किसी तरह मिल लूँ उससे मैं। फैंटास्टिक। पता है जय, कल जाने फिर मुझे उस यूके वाले रिश्ते के बारे में पूछा। मैंने तो ना कर दी सिर्फ इसलिए कि मैं अभी तक वेट कर रही हूँ कि स्टूपिड लड़का मुझे कब प्रपोज करेगा। हाँ ठीक है, तुमने एक्सीलेंट एक्सीलेंट। You dog! Okay, relax. Shut up and listen carefully, stupid. तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं, सिर्फ मैं। सोनिया, you're my best friend. लेकिन ये दिल उस पे फिदा है। I love you, Jay. I love you, Jay. I love you. I love हे वाहेगुरु सतनाम, आज मेरा चलिया पूरा हो गया है। आज 40वां दिन है। मेरी प्रार्थना सुन लो बाबा जी, मेरी मन्नत पूरी करो, मेरी मन्नत पूरी करो।
लीजिए, पहन लीजिए। लेकिन ये पहन लीजिए, मैंने सेवा ठान रखी। सेवा? जी, मैंने मन्नत मांगकर सेवा ठानी है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे मिल जाए। हाउ स्वीट, देखना वो तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी होती है। लीजिए, पहन लीजिए। क्या नेहा मैडम आप हैं? जी। नेहा मैडम, कौन भेज रहा है ये? पता नहीं। गॉड, देखो तुम। हाय। तुम ये गुरुद्वारे से? नहीं नहीं, गुरुद्वारे से नहीं। नहीं नहीं, तो फिर? मेरी मीना, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन करते हुए डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वही डरते हैं जो गलत करते हैं। आई लव यू नेहा। या एग्जैक्टली, हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया था जब आज से 3 दिन पहले मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और देखते ही तुमसे प्यार हो गया था, और फिर पहली बार मैंने तुम्हें सलवार कमीज में देखा। देखो, मुझे तो अब तक खुद पर काबू नहीं हो रहा है। लुक, तुम आई नो, मैं जानता हूं तुम एक लड़की हो, और तुम्हारे लिए ऐसे फैसले इतनी जल्दी करना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें टाइम चाहिए ना? नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट, लेकिन सिर्फ 2 घंटे, हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। सो अभी से 2 घंटे बाद चाइना लाउंज, तुम वहां होगी, मुझे गले मिलोगी, आई लव यू कहोगी। ओके बाय, यू सो ब्यूटीफुल। तुम आई नहीं? मैं वहां 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम आई नहीं। तुम पागल हो? पहले तो नहीं था, लेकिन जब से तुमको देखा है तब से हो गया। अब नेहा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि यू नो आई रियली लव यू नेहा। ओह गॉड प्लीज, ओह माय गॉड, फिर बोलना। फिर क्या, वो बकबक करता रहा और मैंने मुंह पे दरवाजा मार दिया। What a crazy guy! लेकिन कुछ भी बोल यार, he seems to be very interesting. Hey, real life में भी ऐसे आशिक होते? मैंने तो कहीं, ये तो he's so cute. Hi. Hi. तुम सोच रही होगी कि मैं पागल हूँ, सो तो मैं हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, और कल रात को जिस तरह मैं तुम्हारे घर आया, मुझे नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हें लेकर मेरा खुद पर काबू ही नहीं रहता। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। देखो, हो सकता है कि मेरे
थैंक यू। हो सकता है मेरे प्यार दिखाने का तरीका गलत हो, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और इसे साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम कहोगे तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ कूद जाओगे, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दोगे। अगर ऐसा करने से तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन हो जाए तो मुझे मंजूर है। वेरी गुड, तो देर किस बात की? तो ठीक है, अब तक तुम पर मरता था, अब तुम्हारे लिए मर मिटना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, इस बुलेटिन में देश विदेश खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम के दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले खास खबरें। सर्वदलीय बैठक में दागी मंत्रियों पर नहीं निकला। नेहा मेहरा, यस, क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, एक्सक्यूज मी, तुम खूबसूरत हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक मिल गया। मैंने आज तक जय को ऐसी हालत में नहीं देखा। तुम्हें पता है मॉम डैड नहीं है उसके 9 साल की उम्र से ही, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को काबिल और कामयाब बनाया। और अब तुम्हें ना समझने की बहुत भारी कीमत चुका रहा है वो। मतलब? जय ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। What? अगर उसे कुछ हो गया ना, इट्स योर फॉल्ट। Excuse me. You can relax now. गोलियों के last traces भी हमने निकाल दिए हैं. He's out of danger. Thank God. मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं. मुझे नहीं लगता कि उसे सुबह तक होश आएगा. Okay. Thank you so much, doctor. सचमुच पागल हो, यकीन नहीं होता है कोई मेरे लिए। यूं लग रहा है जैसे मुझे एक नई पहचान मिली हो। कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है? अगर मैंने उसके प्यार को ठुकराया तो शायद इस दुनिया में मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। आई लव यू जय, आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार कहते हुए मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वही डरते हैं जो गलत काम करते हैं। मैं जानती हूं ऐसे फैसले जल्दी नहीं होते, मुझे कोई जल्दी नहीं है। I'll wait. मैं तुम्हें 2 सेकंड का वक्त देती हूं। I love you, Jay. I love you. जय, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। जय, हाँ, यू नो सोनिया, इट्स अमेजिंग, जब से नेहा से मिला हूँ वक्त का पता ही नहीं चलता। कभी ऐसा लगता है थम गया है, कभी ऐसा लगता है भाग रहा है।
अब देखो ना, एक घंटे में मुझे उससे मिलना है, लेकिन ये कांटा आगे नहीं बढ़ता। क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2-3 साल बहुत सारी मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, उसके बाद शादी वादी कर लूंगा, 7-8 बच्चे पैदा करूंगा। 7-8 बस? हाँ भाई, काम वाम पे भी तो जाना है ना। लेकिन हाँ, कहानी सुनने उनको तुम्हारे पास भेज दूंगा। अच्छा, शोले के वीरू के जैसे? राइट। फॉरगेट इट जय, ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रही हूँ जय, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। लंदन क्यों? यहाँ पे भी तो अच्छे लड़के मिल सकते हैं। मैं अंकल आंटी से बात। नहीं जय, इस शहर की हर चीज, हर जगह से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं। तुमसे अलग रहकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगी। मुझे चलना चाहिए वरना फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। तुम अभी जा रही हो और इसके बारे में मुझे अब बता रही हो? पहले बताती तो शायद तुम्हारे रोकने पे कमजोर हो जाती। आई नो जय, तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूं, पर आज प्लीज मुझे अपने लिए सोचने दो। अच्छा चलो, मैं तुमको एयरपोर्ट छोड़ देता हूं, कम ऑन। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम इतने दूर अकेले नहीं जा सकती, प्लीज। नहीं जय, मेरी मुश्किल और मत बढ़ाओ प्लीज। I'll miss you soon. I love you. Bye.